आखिर कैसे होता है ऑक्सीजन का हमारे शरीर में परिवहन? फेफड़ों के माध्यम से ली गई वायु यहाँ आकर कूपिकाओं के माध्यम से, ये जो कूपिकाएं होती हैं इनके माध्यम से विसरण विधि के माध्यम से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। इसके बाद ब्लड आगे बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होगा। इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन बनेगा तो वो बनाएगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इसके बाद हमारा पहुँचेगा कहाँ, टिश्यू में, और ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन टिश्यू के माध्यम से एनर्जी के रूप में जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा वो यहाँ एनर्जी का प्रोड्यूस करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हीमोग्लोबिन लेकर आएगा, और इसके बाद Hb+CO2 बनेगा, मतलब कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा, और इसके बाद ये फिर से एक्सचेंज होगी गैस कूपिकाओं के माध्यम से विसरण विधि के द्वारा, और लंग्स के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर निकाल दी जाएगी। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हमारे शरीर में परिवहन चलता रहता है।